बोल बेटा क्या वजह है? बोले पिताजी एक काम कर सकते हो, आपके रहने से इस घर में रोज कलह होती है, रोज झगड़े होते हैं। बाप समझ गया। बाप ने कहा बेटा आगे मत बोल, एक शब्द भी मत बोलना आगे, एक शब्द भी ये बाप बर्दाश्त ना कर पाएगा। तू जो कहने जा रहा है वो निर्णय मैंने पहले ही ले लिया है, रात ही मैंने निर्णय ले लिया है कि अब मुझे ये घर छोड़ देना चाहिए, अब इस घर में रहने लायक मेरे लिए नहीं है, ये नरक हो चुका मेरे लिए, मैं जा रहा हूं बेटा। बच्चे ने इतनी हिम्मत नहीं हुई कि पिताजी ऐसा मत करो, जाने लगा वो बूढ़ा। पोते को बहुत प्यार करता था, बच्चे से ज्यादा पोते पर मोह था, दौड़ा दौड़ा दादाजी तुम मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूं। लिपट गया दादाजी से आकर, दादाजी तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं कहां सोऊंगा, किसके साथ खेलूंगा, किससे बात, कौन मेरी डिमांड पूरी करेगा। दादाजी ने कहा बेटा छाती से लगा लिया उस पोते को, मेरे बच्चे आज मेरा जाना बहुत जरूरी है, एक बात याद रख बेटे, अब मुझे जाने दे, ज्यादा मोह मत बढ़ा। उसने कहा दादाजी मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, दरवाजे पर खड़ा हो गया। दादाजी ने कहा बेटा देख तेरे मम्मी पापा को मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं ये घर छोड़ करके जा, मैं तुझसे मिलने आऊंगा, तू स्कूल जाएगा तो रास्ते में मिल लूंगा, सड़क पे मिल लूंगा। उस पोते ने कहा कि दादाजी चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। लेकिन बहू देख रही है, बहू ने बच्चे को घसीटा, चल अंदर, ज्यादा दादाजी दादाजी नहीं करना, जाने दो उनको। बच्चा दौड़ा दौड़ा गया दूसरे कमरे में, ठंडी के दिन थे, कड़कड़ाती ठंड, एक कंबल उठा के लाया। दादाजी आप कुछ नहीं ले जा रहे ना, ये कंबल ले जाओ, ये मेरी दादी का कंबल है, वो हरिद्वार गई थी तो वहां से खरीद के लाई थी, ये मेरे मां बाप का नहीं है। मां ने कहा चल दे दे कंबल, क्या बिगड़ता, इससे अच्छा कंबल ले आएंगे। दादाजी के कंबल दिया पोते ने, उसने छाती से लगाया कंबल को, यही मिला उसे पूरी जिंदगी में, जिसके लिए मकान दुनिया सब कुछ बसाई, ये कंबल हाथ लगा है लास्ट में, क्या मिलता इस आदमी को, कुछ नहीं। कंबल ले जाने लगा, पोता आया बोले ठहरो दादाजी ऐसे मत जाओ, आप जा रहे हैं, आपने मकान अपने बच्चे को दे दिया, ये सारा पैसा बहू को दे, मुझे क्या दिया आपने। अरे उसने कहा तू तो अभी बहुत प्यार कर रहा था बेटा, मेरे पास क्या है, ये माँ बाप तेरे हैं, ये मकान तेरा। नहीं दादाजी आपसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, थोड़ी निशानी मुझे आपकी चाहिए, क्या लेगा बच्चे मेरे से, मेरे पास कुछ नहीं है। कैंची लेकर आया, कंबल को आधा काट दिया। माँ ने कहा पागल ये कंबल क्यों काटा है, ना तेरे काम का रहा ना दादाजी के काम का रहा, दो टुकड़े कर दिए। बोले मां मैं जानता हूं ये कंबल दादाजी के काम का तो नहीं रहा, लेकिन मेरे बहुत काम का है कंबल। बोले क्यों? बोले जैसे आप दादाजी को घर से निकाल रहे हो, और बड़ा होकर जब मैं तुम्हें निकालूंगा तो आधा कंबल तुम्हारे बहुत काम आएगा जिंदगी में, ध्यान रखना। मान्यवर उस बूढ़े बाप की आंखें दबदबा गई। मैं दूंगा तुम्हें, जब तुम अपनी कमाई का अपने पिता को कुछ नहीं दे रहे हो तो मैं भी तुम्हें क्यों दूंगा, आधा कंबल संभाल के रखूंगा मैं अपनी जिंदगी में। बूढ़ा चला गया, आधा कंबल सीने से लगाए चला गया, ना जाने कहां जा रहा है उसे नहीं पता, कहां जाएगा ये भी नहीं जानता है। वह चलते जा रहा चलते जा रहा चलते जा रहा, एक फोटोग्राफर दुकान पे पहुंच गया, उसने देखा, ना जाने क्या सूझी बुढ़ापे में उसको, कंबल दबाए हुए सीढ़ियां चढ़ गया, फोटोग्राफर से बोला कि बेटा मेरी एक फोटो खींच सकता है। उसने कहा दादाजी को क्या हो गया फोटो खींच दे, आंखों में कीचड़, टूटा हुआ चश्मा, फटा हुआ कंबल। उसने कहा दादाजी खींचूंगा मैं फोटो, आइए बैठिए। उसको बिठाया,
फोटोग्राफर ने रुमाल से दादाजी का मुंह साफ किया। इतनी जोर से बूढ़े ने उसके हाथ पकड़े कि बेटा, जिसकी गंदगी बचपन में साफ की, उन बच्चों ने मेरा मुंह ना पोंछा। एक बात याद रखना बारामती वालों, ये कभी कभी जो प्यार अपनों से नहीं मिलता वो पड़ोस में प्राप्त हो जाया करता है। उसने कीचड़ पोंछा, चश्मा सही किया। दादाजी ये चश्मा टूटा है, ये तार निकला है इसका, सही क्यों नहीं किया? क्या करूं बेटा, जो कल तक आंखों के तारे थे उन्होंने चश्मे का तार नहीं सुधरवाया मेरे। फोटो निकाली, फोटो निकालने के बाद दादाजी ने अपने जेब में हाथ डाला, एक फटा पुराना 5 का नोट निकाला, बोले बेटा ये ले ले। उसने कहा नहीं पिताजी, दादाजी अब पैसे नहीं चाहिए मुझे, मैं आपकी फोटो जरूर बना कर दूंगा। बोले मेरे पास कुछ नहीं बेटा, केवल ये फटा 5 का नोट है, तू रख, तेरे बहुत काम आएगा। उसने कहा नहीं दादाजी मुझे नहीं चाहिए। बोले रख ले बेटा, रख ले। बोले मुझे नहीं चाहिए। तो बूढ़े ने कहा अपनी नहीं तो मेरी खुशी के लिए रख ले। दादाजी आपको ये 5 रुपया देने में खुशी मिलेगी? उसने कहा लाओ मुझे दे दो। उसने 5 का नोट देखा, फटा सा था, आज वो 5 का नोट हजारों की गड्डियों के सामने भारी पड़ रहा था उस फोटोग्राफर को। उसने लिया 5 का नोट, डाला। दादाजी ने कहा 2 दिन बाद मेरी फोटो दे देना मुझे। बोले ठीक है। 2 दिन बीते, 2 दिन बाद 2 लड़के पहुंचे फोटोग्राफर के पास। बोले भाई साहब, 2 दिन पहले एक दादाजी ने यहां फोटो खिंचाई थी, वो फोटो हमें चाहिए। आप कौन है? हम उनके लड़के हैं। ये डॉक्टर है, इंजीनियर है, आप उनके लड़के हैं, आपको कैसे पता कि फोटो खिंची है? बोले बड़ा अफसोस है कि जिस दिन तेरे मेरे पिता तुम्हारे यहां से फोटो खिंचा के जा रहे थे और इन सीढ़ियां उतर रहे थे, आगे पहुंचे हैं और एक जोरदार ट्रक की टक्कर में उनका एक्सीडेंट हुआ और वो दुनिया में नहीं रहे। जब हमें सूचना मिली हम गए, जब तक प्राण पखेरु उड़ गए, उनके कुर्ते के जेब में तुम्हारी दुकान की रसीद पड़ी थी। बस वही रसीद लेकर हम तुम्हारे यहां आए हैं, वो फोटो तो दिखाओ जरा। फोटो दिखाई, अरे ये फोटो खींची है तुमने? ये फटे से कपड़े, टूटा सा चश्मा, आंखों में कीचड़। बोले एक काम करो, कंप्यूटर का जमाना है, इसमें एडिट कर दीजिए, अच्छी शेरवानी पहना दो इनको, सोने की चेन डाल दो गले में, एक अच्छी कुर्सी पर इन्हें बिठा दो, इनका चेहरा थोड़ा सा बदल दो। उसने कहा भाई साहब बहुत पैसा लगेंगे। बोले देंगे 5,000 रुपए लगेंगे। बोले देंगे 5,000 रुपए? ये वो औलाद जिसने जीते जी बाप को 5 रुपए नहीं दिए, वो 5,000 की फोटो ले रही है। उस आदमी ने पूछा कि आप इतनी बड़ी फोटो क्यों बनवा रहे हो? बोले परसों हमें इनका उठावना करना है, इस समाज में हमारी इज्जत का सवाल है, ध्यान रखिए, हम उनकी ऐसी फोटो नहीं लगा सकते हैं, हमारा भी स्टेटस है, हमारा भी स्टैंडर्ड है, सारी समाज हमारे यहां आएगी, जितनी सुंदर फोटो बना सको फोटो बना दीजिए, कल सारे लोग श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित होंगे। ये है मां बाप का सम्मान। फोटुओं पर फूल चढ़ाने वालों, जीते जी तो शब्द प्यार से नहीं बोलते हो, कैसी औलाद है कि जीते जी बाप के लिए नए कपड़े नहीं आते, मर जाए तो नया कफन खरीदने दौड़ते हो, ध्यान रखिए। मेरे भाई आपसे निवेदन है, लाशों पर फूल मत चढ़ाना कोई बात नहीं है, जीते जी बाप से फूल ऐसी बातें जरूर किया करो, तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। यह संस्कृति होना चाहिए भारत की। मेरे सानिध्य में मुझे बड़ा दुख है कि मैं संत होकर मुझे एक वृद्धाश्रम बनाना पड़ा जहां बुजुर्ग लोग रहा करते हैं। ऐसे ऐसे लोग आते हैं मेरे पास आंसू बहाते, अरे घर की दुनिया से बाहर निकल के देखो, अपने ही घर को दुनिया मत समझिए। आते हैं मेरे पास, महाराज ये जिंदगी का अंतिम पड़ाव, कुछ व्यवस्था करो, हमारा बेटा हमें घर से, एक बेटा मेरे पास आया अपने माँ को लेकर, महाराज आपका वृद्धाश्रम बना है, आपका वात्सल्य धाम बना है,
मेरी मां को वहां रख दीजिए, मैंने कहा शर्म आना चाहिए तुझे, एक बेटा कह रहा है कि वृद्धाश्रम में रख दो मान्यवर। मैंने उससे कहा तुझे तो चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, जिस मां ने कोख में रखा तू घर में नहीं रख सकता है, वापिस लेके जा इस मां को। बोले आपने क्यों बनाया वृद्धाश्रम? मैंने कहा मैंने इसलिए नहीं बनाया कि कोई औलाद अपने बाप को मेरे पास भेजे, नहीं भाई ये तो मेरे लिए सबसे बड़ा पाप हो जाएगा। और मैं बारामती में कह रहा हूं पुलक सागर, इस देश से वृद्धाश्रम की परंपरा खत्म होना चाहिए, समाप्त होना चाहिए, एक भी वृद्धाश्रम इस देश में नहीं होना चाहिए, एक भी ओल्ड हाउस इस देश में नहीं होना चाहिए, ये बदनुमा दाग है भारतीय संस्कृति पर। लाल किला शान हो सकता है, कुतुब मीनार शान हो सकती है, ध्यान रखना ताजमहल शान हो सकता है देश की, लेकिन वृद्धाश्रम देश की शान नहीं है, ये भारतीय संस्कृति पर मारा हुआ तमाचा हुआ करता है। एक बेटा मां बाप को वृद्धाश्रम में रखता है। मैंने उसे एक घंटे समझाया, बेटा मां को मत निकाल अपने घर से, एक घंटे मैंने उसे समझाइश दी, वो अपनी मां को वापस ले गया। ध्यान रखिए मान्यवर, मैं एक भावना रखता हूं, मेरा और हम जैसे संतों का जीना सार्थक हो जाएगा जब वृद्धाश्रम रातों रात खाली हो जाएगा। मेरे भाई हर बेटा अपने माँ बाप को अपने घर ले जाए। कौन सी शान है ये? मैंने बनाया है इसलिए बनाया कि उन बुजुर्गों को सहारा दूं जिनके औलाद नहीं है। ध्यान रखिए औलाद होने के बाद माँ बाप हमारे पास आए शरण में, बेकार की जिंदगी है ये। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है, एक बूढ़ी मां जिसने औलाद को पढ़ाया लिखाया लेकिन वो औलाद उस बदमा से नफरत करती थी, धिक्कार है वो औलाद जो मां से नफरत करती है, पिता से नफरत करती है, यही नफरत थी उसे बस। वो कहता था मां तू मेरे सामने मत आया कर, तू मनहूस है, मैं तेरा चेहरा देखना पसंद नहीं करता हूं। मां रो लेती चुपके चुपके, पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, औलाद कह रही हम तेरा चेहरा देखना नहीं चाहते, तू हमारे सामने मत आया कर। मां आती, मां की ममता थी बिचारी, क्या करे, स्कूल जाती, टिफिन देने जाती, बच्चे का भोजन देने जाती, बच्चे से कोई पूछता कि ये बुढ़िया कौन है तो मालूम है वो ऐसी औलाद, ऐसी कायर औलाद जो अपने दोस्तों को कहता कि नौकरानी है जो हमारे घर से हमें टिफिन लाके देती है। मां जब सुनती तो सीना छलनी हो जाता उसका, ये नौकरानी है, ये काम वाली है, घर में आके झगड़ा करता, तू टिफिन लेके मत आया कर मेरे स्कूल में, मुझे बहुत नफरत है तुझसे। ऐसी औलाद जिसके लिए ईश्वर के सामने हाथ फैलाए, आज वही ईश्वर का वरदान उसे अभिशाप लग रहा है, औलाद पसंद नहीं। बात ध्यान रखना, मां कैसी भी हो मां तो मां होती है मेरे भाई, मां काली हो मां गोरी हो मां बदसूरत हो, एक बात ध्यान रखना मां की सूरत नहीं देखी जाती, मां का दिल देखा जाता है मेरे भाई दुनिया में। इसलिए नफरत थी उसे कि उस मां की एक आंख नहीं थी, तू कानी है मेरे सामने मत आया कर। रो लेती चुपके चुपके,